तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और एक अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ग्रुप डी का रिजल्ट कब होगा ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है और कुछ खबर ये आ रही है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका 22 अप्रैल को आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी में आने के ज़्यादा चांसेज हैं। जो 22 अप्रैल की यहाँ पर बातें हो रही है वो ग्रुप 56 और 57 का जो सुनवाई होगी कोर्ट में, ये वो डेट है और ना कि इसका ग्रुप जो डी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, मैं फिर बता दूँ, ग्रुप डी का 22 अप्रैल से कोई लेना देना नहीं है। ग्रुप 56 और 57 का यहाँ पर सुनवाई होनी है, ग्रुप डी का इससे कोई लेना देना नहीं है और आपका रिजल्ट है वो फरवरी में आने के ज़्यादा चांसेज यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और कोई और अपडेट आएगी जैसे ही कि ये रिजल्ट आगे भी सरक सकता है या पीछे आ सकता है, कुछ भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आप इस चैनल के साथ बने रहे, यहाँ पर मैं आपको सच्चाई बताऊँगा, कोई झूठ बोलने की यहाँ पर मैं आपके साथ बातें नहीं करूँगा। अब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि खामखा की 22 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आपका फरवरी में ही आएगा, जनवरी में चांसेस कम थे तो फरवरी में आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। और इस पर प्रोसेस भी बहुत तेज चला हुआ है ग्रुप डी भर्ती पर, मैं आपको ये भी बता दूं, प्रोसेस बहुत तेज चला हुआ है, फास्ट चला हुआ है। जो आपका रिजल्ट है वो फरवरी में आएगा और ना कि 22 अप्रैल को जो है अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, जैसे ही कोई सटीक जानकारी आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। कोई अन्य वीडियो ये 22 अप्रैल वाली ये वो ऐसा कुछ भी ना देखे आप, ये सिर्फ व्यूज का चक्कर है। आपका रिजल्ट फरवरी में आएगा और अगर कोई और अपडेट आती है इस भर्ती को लेकर या ग्रुप सी वालों के लिए, जो आपका एक बार मैं फिर बता दूं, 22 अप्रैल को जो फैसला होना है ग्रुप 56 और 57 का होना है, ना कि इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है ग्रुप डी के रिजल्ट से। तो आपका रिजल्ट है वो फरवरी में ही आएगा और आपकी लिस्ट भी आगे भेज दी है कि कितने पद खाली हैं कितने नहीं, जो आगे सेंटर में भेज दिया है सरकार को कि कितने पद खाली है, ये भर्ती हमें करनी है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। ना कि ये 22 अप्रैल को आएगा ये आएगा, ये तो आधी साल निकल जाएगी ऐसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आपका रिजल्ट है वो सिर्फ फरवरी में आएगा। धन्यवाद, जय जवाहर।